नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, है ना। जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, अगर लाइट जो है वो इधर जा रहा हो, है ना, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स जेड प्लेन में चले जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें दिया गया हो बी नॉट साइन, देख लेते हैं यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया है, उसके हिसाब से मैं लिखूंगा इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवेन बाई B इज इक्वल टू 3×10⁻¹, ये जो है एक्चुअली में बी नॉट है, साइन ये होना चाहिए के एक्स और ये होना चाहिए ओमेगा टी, है ना। तो मैं लिखूंगा इसको के एक्स प्लस ओमेगा टी जे कैप, टेस्ला में दिया हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें खास बात क्या है कि देखेंगे ये एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, एक ये जो एक्स लिखा है ये लाइट के मोशन का डायरेक्शन है ना एक्स, और यहाँ जो जे कैप लिखा है वो वाइब्रेशन वाला है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो है जे कैप, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वो होना चाहिए ई नॉट साइन, ये जो एम्पलीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू बताएगा, साइन इसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। सेम फेज वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला फेज और यहाँ का फेज इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि परपेंडिकुलर प्लेन वाइब्रेट करता है तो ये एक तो एक्स डायरेक्शन में जा ही रहा है, तो दूसरा जो है वो के कैप हो सकता है या माइनस के कैप हो सकता है ना, मतलब लेकिन जेड एक्स प्लेन में वाइब्रेट करना चाहिए, और इसका यूनिट जो होता है वोल्ट पर मीटर लिखते हैं, ठीक। अब ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन क्या होता है, हमें पता है एक रिलेशन होता है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो ई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं सी इंटू बी नॉट से, C का वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, और B नॉट का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया है, देखें 3×10⁻¹, तो ये आ गया 9, है ना, SI यूनिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग रखेंगे 9 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी के कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन में ई नॉट का वैल्यू 9 दिया गया है, ठीक। इसमें ई नॉट डिफरेंट है, इसमें और भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है ना, तो 9 तो केवल एक ही में दिया गया है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसमें के कैप दिया गया है ना, इसमें एम्पलीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही गलत है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है ये गलत है, डायरेक्शन वाले सही दे रखा है तो ये गलत हो गया, और तीसरे वाले में एम्पलीट्यूड गलत और डायरेक्शन भी गलत। जे कैप डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता है, तो केवल एक ही सही ऑप्शन बचता है, पहला वाला ऑप्शन।